कोविड में मैंने सुना आपने घर वर शिफ्ट किया था, पूरी सेटिंग मीटिंग हो रही थी, सब कुछ ही मेरी जिंदगी में बदल गया कोविड में। शादी भी हो गई और फिर घर भी बदल लिया। घर सजाने का शौक ज्यादा किसे, हिना को के आगा को? दोनों को। पर हम उतना सजावट पे बिलीव नहीं करते, वी लाइक टू कीप इट सिंपल। हमारा घर बहुत सफेद सफेद है ज्यादा, नहीं मतलब लाइक सिंपल इन सेंस कि कोई फर्नीचर का पीस ले लेते हैं। हाँ, ये वो मैं, लेते मैं, हैं। मैं ज्यादा करता हूँ। हाँ। क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करता हूँ। हाँ। और कोविड के दौरान भी मैंने बहुत ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑनलाइन ये सारा जो कारपेट खोल रहे थे आप? जी ये सब ऑनलाइन ले आता हूँ। वाओ, ऑनलाइन फायदा होता है शॉपिंग का, क्या लगता है आपको? फायदा इसलिए होता है क्योंकि निधा आप जानते हो पूरा दिन एक्टिंग में गुजर जाता है और टाइम नहीं मिलता है। और वो जो एक होता था कि आप होता है इनफैक्ट कि आप जब किसी जगह जाते हो तो यू लुक इनटू स्टफ एंड ऑल, तो ऑब्वियसली आपको टाइम चाहिए, वो नहीं होता। हाँ। तो मैं सबसे पूछता रहता हूँ कि कोई ऑनलाइन जगह है, अच्छी जगह है, तो वो एक दो जगहों का पता चल गया। अच्छा। नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभार, मैंने मतलब ऑनलाइन जूती मंगाई है, मुझे चप्पल भेज देते हैं, ऐसा हुआ है। मैंने वो मंगवाई है, कमीज मंगवाई है, वो ट्राउजर दुपट्टा भेज देते हैं, ऐसा होता है कि ऑर्डर कुछ करो आता कुछ है। बस वो एक तरीका है कि आप रेटिंग उनकी चेक कर लो, लोगों के व्यू होते हैं उनके ऊपर, रिव्यूज लिखे होते हैं वो पढ़ लो। और बहुत सारी तो ऐसी भी मशहूर मशहूर ब्रांड्स हैं जिनका ऑनलाइन आप खरीद सकते हो। अच्छा, जब कोई चीज पसंद करते हो, जैसे ये कार्पेट पसंद किया या वो चेस्टर था या सोफा था या कोई कुशन वगैरह, तो हिना से मशवरा करते हो या हिना आपसे मशवरा करती है या मंगा लेते हो कि सरप्राइज दूंगा? मैं ऑब्वियसली पूछ लेता हूँ, बिकॉज़ अगर वो उसको कुछ चीज नहीं अच्छी लगती ना, तो वो मेरे दिल को रखने के लिए कुछ दिन के लिए वो चीज वो रख लेती है। अच्छा। पर फिर एक दिन मैं घर वापस आता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वो यहाँ वो था, और वो कहती है कि वो अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ। तो वो हटा देती है। हाँ। तो नाउ आई मेक श्योर कि जो वो चाहती हैं उसके हिसाब से ही हम करें ताकि वो चीज फिर रहे वहां पे। हाँ। जैसे कार्पेट, आई वांट टू ऑर्डर समथिंग एल्स, बट देन उनका कोई उस पर रिव्यू आया और फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई और देख लेते हैं। हाँ। so, बहुत फाइनल। अब जब आप लोगों की शादी के बाद घर चेंज हुआ ना, तो वो एक होता है कि घर जो जिसमें रहना है वो भी तो हम ढूंढे जाके, तो वो घर आगा की पसंद का था या हिना की पसंद? दोनों की। हाँ। ये बहुत जरूरी है। हाँ। मैं कभी कराची शहर में तो किसी और के साथ रहा ही नहीं हूँ, और अभी पहली बार था, तो मैं चाहता था कि अभी मैं 3-4 जगहों पर रह चुका हूँ यहाँ पे, तो मैं चाहता था कि वो उनके हिसाब से ही हो। अच्छा। क्योंकि मेरे लिए ये बात बहुत मैटर करती है कि जब कोई अपना घर छोड़ के आपके पास रहने आता है और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसकी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, तो जरूर करना चाहिए। माई मदर इवन सेड, माँ जी ने भी यही कहा कि घर देख लेना कि उसको समझ में आए, तुम अपने शशकों के हिसाब से नहीं लेना। अच्छा, शशके क्या ज्यादा हिना के अंदर है या आगा के अंदर है? हिना के मिलने से पहले मेरा आइडिया ऑफ लिविंग थोड़ा सा थोड़ा बड़ा था। और तो हिना ने आने के बाद मेरे को समझाया कि उतनी जगह पे रहना चाहिए जितनी जरूरत है। हाँ। और जितनी बड़ी जगह होगी उतना ही एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, वो मुझे फॉर्मूला बड़ा समझ में आया। हाँ। तो अभी हम एक ऐसे घर में रहते हैं जो बहुत बड़ा नहीं है और जिसे मेंटेन भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं, तो वो इसीलिए हमारे पास कोई ऐसे मासी भी नहीं है, जैसे वन हेल्पर। तो दोनों मिलकर करते हो कुछ सफाई सफाई या वो हेल्पर ही कर देते हैं? हाँ, वो हेल्पर की कभी हम हेल्प करा देते हैं, कभी वो हमारी हेल्प करा देते हैं। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक पे जाने से पहले आप लोग की शादी की तारीख क्या थी? 22nd महीना कौन सा था? मई में। यानी कि ईद से पहले ही आपकी शादी हुई थी। जुमातुल मुबारक वो था, जुमातुल विदा था, और बड़ा मुबारक दिन था। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।